हेलो दोस्तों, नॉलेज इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लगा, किस तरीके का लगा, तो कृपया करके मेरे को आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। और हमारे जो चैनल है हमारा यूट्यूब का नॉलेज इन्फो, उसको सब्सक्राइब करें और जितनी भी हो सके आप अपनी प्रतिक्रिया को भी ज़रूर से ज़रूर व्यक्त करें, ताकि मैं उसको ज़ोर से ज़रूर और भी इम्प्रूव कर सकूं। तो आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा, तो दोस्तों मेरे को कमेंट्स करके बताइए, और आगे भी आप लोगों का इसी तरह प्यार मेरे को बना रहे। जिस तरीके से आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन आगे की प्रोवाइड कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे कि सारा ने अगर लॉकडाउन के मैटर पे अगर बात करते हैं, तो लॉकडाउन में बहुतों की रोजी चली गई, नौकरियां चली गई, लोगों के रोज़गार चले गए। लेकिन अगर हम बात करें सारा इंडिया परिवार की, तो यहाँ पे हमारे जो सुब्रत राय सारा जी थे, तो उन्होंने किसी भी अपने सेक्टर से किसी भी कर्मचारियों को रिलीज़ अलग नहीं दिया, मतलब किसी को भी छुट्टी नहीं दी, और ना ही किसी कर्मचारियों को अपने ऑफिस से हटाया हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भी किसी भी कर्मचारी को उनके पद से ना हटाना। और दूसरी चीज़ है कि वह जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो उन्होंने बहुत लोगों को मतलब अपने ऑफिस में भी वर्क दिया उनकी योग्यता के आधार पर। और हमारे अगर हम बात करें कि मतलब टोटल जो ऑल ओवर इंडिया हमारे जो एम्प्लॉय हैं, वो करीब 4,05,874 हैं, जिसमें कि बहुतों को मतलब उन्होंने प्रमोट करते हुए उनको नए नए पद भी दिए और उनकी सैलरियाँ भी बढ़ाई। और यहाँ पे जो जगह वैकेंसी खाली हुई, तो उसमें उन्होंने नए नए एम्प्लॉय को भर्ती किए उनके योग्यता के आधार पे। तो ये एक बहुत अच्छी मतलब चीज़ रही कि उन्होंने मतलब यहाँ पे मतलब रोज़गार के मामले में भी लोगों को बहुत सारा रोज़गार दिया, लोगों ने मतलब अपने हिसाब से काम किया, चाहे वो कर्मचारी बन के किया हो, चाहे वो एजेंट बन के किया हो, लेकिन काम सभी ने किया है। और उसी को मद्देनज़र रख के ये देखा जाए कि यहाँ पे जो काम उन्होंने किया है वो बहुत ही अच्छा किया था, ताकि लोगों को जिस समय लोगों की रोजी रोटी या मतलब लोगों के रोज़गार चले गए, तो उस समय उन्होंने उसको रोज़गार दिया, उनके घर में मतलब चीज़ें आनी शुरू हुई, जो मतलब जहाँ पे जिनको दिक्कतें हुई उनको भी संभाला, कुछ को यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से लोन भी ऑफर किए हैं और लोन भी दिए हैं, ताकि वो अपने लोन को बाद में अपनी सैलरी से भी कटवा सके। तो ये कपूरपुर सफलता है कि मतलब आज की डेट में हमारे सारा के जितने भी ऑफिसेज हैं, सारे वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और लेकिन बस फर्क इतना पड़ा है कि पेमेंट ना होने की वजह से आज हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है वो थोड़ा कम हो चुका है, स्पेसेस थोड़ी कम हो चुकी हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर जो सारा सेवी के अकॉर्डिंग जो भुगतान है वो अगर लोगों का होने लग जाएगा, तो उस हिसाब से फिर से एक बार फिर से हमारा सारा इंडिया परिवार फिर उसी तरीके से परचम लहराएगी जिस तरीके से वो 2012 या 13 में लहराती थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जी हाँ, आप देख रहे हैं सारा इंडिया परिवार की ऑफिशियल वेबसाइट को, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने। सारा इंडिया परिवार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का जो है पैसा इन्वेस्टमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई सेक्टर्स में अपनी महारत हासिल की है, जिसमें से मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंस, एजुकेशन, लाइफ इंश्योरेंस, सेल्फ कंटेन सिटी, मेगा क्वालिटी, टाउनशिप्स, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी, ये इनके सेक्टर्स है जहाँ पर सारा इंडिया परिवार मिल करके ग्रुप बना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने 44 साल से ये कंपनी जो है चल रही है, यानी कि जो इनकी अगर हम बात करते हैं तो 44 ईयर्स इनकी जो है कंपनी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, उन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे दिया है। और इन्होंने कहा है इन बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग्स एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बिजनेस गेट द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड आर सर्टेनिटी क्रेडिबल बट अल्टीमेट क्रेडिबिलिटी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज पर्टिकुलरली ऑफ लार्जर वंस इज इन द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये यहाँ के चीफ गार्जियन है सुब्रत राय सारा जी, या मैनेजिंग वर्कर या चेयरमैन भी इनको कहा जा सकता है। इनका कहना का मतलब ये है कि जो ये वर्क कर रहे हैं, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो एक्सटेंड कर रही है, ये जो सहारा जिसमें सहारा
लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पैसे प्रोवाइड कर रही है जो लोग इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो पॉलिसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है इनके, तो ये कहाँ पे आएगा, फाइनेंस सेक्टर में। अब देखिए हमने फाइनेंस सेक्टर में जा करके क्लिक कर दिया, फाइनेंस सेक्टर में जैसे हमने जाके क्लिक किया तो इनके पास दो सेक्टर दिख रहे हैं, पैरा बैंकिंग और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके दो सेक्टर जो है दिख रहे हैं, सहारा पैरा बैंकिंग और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं पैरा बैंकिंग के बारे में, ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है पैरा बैंकिंग में, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री विद ओवर 5000 सर्विस ऑफिसर्स एंड इफिशियंट स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड ओवर 12 लाख डेडिकेटेड करते योगी वास प्रोवाइड सर्विसेज टू आवर स्ट्रीम कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया। इनके कहने का मतलब ये है कि जो सहारा पैरा बैंकिंग इनकी जो ग्रुप है, ठीक है, तो मतलब पूरी ये जो सिस्टम है इनका, ये अपने सर्विसेज जो है कस्टमर को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली देते हैं, पूरे भारत के हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इनको जो है सर्विस बहुत प्रॉपर तरीके से देखते हैं, और ये 12 लाख डेडिकेटेड इनके जो है वो है स्टाफ है। अगर हम बात करते हैं फिर सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इन्होंने दे रखा है BSE लिस्टेड एंड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच केटर्स टू द फाइनेंशियल नीड्स फॉर हाउसिंग ऑल ओवर इट्स प्रेजेंस इन द कंट्री थ्रू अट्रैक्टिव एंड कॉम्पिटेटिव लोन स्कीम्स एंड प्रोडक्ट्स। अब इन्होंने दे रखा है कि सहारा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि इन्होंने ये एक प्रकार की नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, जो कि रेगुलेटेड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, और यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि लोन स्कीम्स और प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटेटिव लोन स्कीम्स को और प्रोडक्ट्स जो है कस्टमर को देती है, ये अट्रैक्टिव स्कीम्स तो हम कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिखाते हैं अपने बॉन्ड्स वो पॉलिसी को धारकों को जो इन्वेस्टर्स को दिखाते हो काफ़ी इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि कोई भी बैंक इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं कोई भी दे सकता जितना इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ऊंचा दिखाया है। फिर अगर हम ये कह रहे हैं लॉग ऑन टू www.sahara housing finance.com फॉर मोर डिटेल्स। अब जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये खुल करके आ जाता है पूरी इनकी ऑफिशियली वेबसाइट। तो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं लोन्स में, अब इन्होंने ऑप्शन भी दे रखे हैं कंपरेटिव होम लोन, कंपरेटिव मॉर्गेज लोन, कंपरेटिव NRP लोन।